ये प्रश्न ओम सबके मन में भी है। शांति। आपका प्रश्न है, कोई नए नहीं है। परम पिता दफन करके परम आत्मा से सारे संबंध कैसे निभाएं? ये भगवान को नहीं मानता इसलिए ये नास्तिक। हम प्रेयर करते आए कि तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम। हम सबका माता कैसे है, पिता कैसे है, बंधु कैसे है, सखा कैसे? संसार में जितने भी हैं वो हमारा बाप हो सकता है, बाप के साथ चलो टीचर भी हो सकता है, परंतु वो माँ तो नहीं बन सकता, पति तो नहीं बन सकता, सजनी तो नहीं बन सकता। दूसरे रिश्ते तो वो नहीं ले सकता ना। वो तो परमात्मा कैसे सर्व संबंध निभाता है? और अब स्वयं परम पिता परमात्मा कहते, बच्चे मैं आया हूं हर एक आत्मा के साथ सर्व संबंध निभाने के लिए। मैं ही एक हूं जो मैं सबके साथ सभी संबंध निभा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं एक ही हूं जो शरीर धारण नहीं करता। शरीर के कारण पुरुष है तो वो पुरुष वाला संबंध लेगा, स्त्री है तो स्त्री वाला संबंध लेंगे, परंतु मैं न पुरुष हूं और ना ही स्त्री। मैं तो तुम आत्माओं के साथ सारे संबंध निभाता। जितनी भी देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हैं, एक एक को चेक करके देखिए। आप जो भी संबंध जिस समय चाहो जब चाहो मेरे साथ निभा सकते हो। उन संबंधों को निभाना तुम्हें है। जिस संबंध में आप मेरे साथ आना चाहो, जिस संबंध में आप मेरे से बात करना चाहो, मेरे से व्यवहार करना चाहो, मैं हर संबंध में आपका साथ दूंगा, संबंध निभाऊंगा। एक एक संबंध को हम जरा चेक करेंगे कि वो संबंध हम परमात्मा के साथ कैसे निभा सकते हैं। सबसे पहले जो बहुत ही आसान, बहुत ही सीधा है कि परम पिता, परमात्मा हमारा पिता है, तो पिता का संबंध वो कैसे निभाते हैं? वो आकर हमें अपना बच्चे के रूप में एडॉप्ट करते हैं और एडॉप्ट करने के साथ हमें जन्म सिद्ध अधिकार सात गुण देते हैं, क्योंकि बाप की प्रॉपर्टी सात गुण है और वो सातों गुण सर्व आत्माओं को सारा का सारा देते हैं। ये नहीं कि किसी आत्मा को दे किसी आत्मा को ना दे। जो बच्चा बना उसे सातों गुणों का वर्षा जायदाद बारिश बन गया। यदि कृष्ण जीवित है तो करे कुछ आकर। वो सातों गुण हैं ज्ञान, प्रेम, शांति, पवित्रता, सुख, आनंद, शक्ति। क्योंकि ये सातों के सातों गुण हर आत्मा को चाहिए, हर आत्मा को जरूरत है सातों गुणों की। और ये सातों गुण मिल सकते हैं केवल और केवल एक परम पिता परम आत्मा से। दुनिया में कोई दुकान नहीं जहां इन सातों गुणों को प्राप्त किया जा सकता हो।
परमात्मा आकर ये सातों गुण का अधिकारी बनाते हैं कि ये सातों गुण आपके हैं, और उन गुणों को प्राप्त करने की विधि है। मिलेंगे तब जब मुझ एक बाप से प्यार करेंगे। प्यार तुमने करना है, और प्यार करने का सबूत होता है कहना मानना। जैसे जैसे तुम मेरा कहना मानोगे तो ये सातों गुण आपको मिलते जाएंगे। मेरा कहना नहीं मानोगे ये गुण आपको नहीं मिलेंगे। गीता में से कोई भी शब्द मिले मुझे दिखाओ। आप मेरे बच्चे बनो, बच्चे बनने का मतलब है कहना मानना। और बाप के रूप में आपने मेरा कहना क्या मानना है? जैसे तुम मेरे बच्चे हो ऐसे सारे संसार की आत्माएं मेरे बच्चे हैं। तो आपके क्या लगे भाई? हर एक आत्मा को भाई की दृष्टि से देखो। एक बात भी सारी दुनिया को तो ये सातों खजाने आपके जीवन में आते जाएंगे। भगवान से बेमुख कर दिया, जैसे बच्चा अंदर से चिपकने लगा ले, आपके जीवन से दुख ऑटोमेटिक भाग जाएंगे। आठ शक्तियां उन सब दुखों से मुक्त करने वाली आ जाएंगी। जैसे ही आपने दूसरे को भाई समझा, अब लड़ाई थोड़ा हो सकती है। जब आप सब आपस में भाई भाई हैं, फिर किस बात की लड़ाई? फिर तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। फिर कोई गैर है ही नहीं, सब अपने हैं। सब अपने हैं तो सब प्यार के भी अधिकारी हैं। आप सबको प्यार देंगे तो सबसे आपको प्यार मिलेगा। जो देंगे वो मिलेगा। सारे आपके भाई हैं, आप सबको प्यार करो। अब ये कहना तो हर बच्चे को मानना है। अब वो जितना प्यार देगा उतने प्यार का वो अधिकारी बन जाएगा। ये समझ स्वयं परम पिता परमात्मा आकर हमें देते हैं। तो सब अपने हैं, सब अपने, सारे अपने भाई हैं। तो कितना ना दुनिया एक परिवार बनी, कैसे ना ये दुनिया परिवार बनेगी। आप परिवार की फीलिंग देंगे तो दूसरी आत्मा भी आपको ऑटोमेटिक रिटर्न में प्यार की फीलिंग देगी। आप फैमिली स्वीकार नहीं करेंगे, वो भी आपको फैमिली स्वीकार नहीं करेगा। तीसरा किया, चौथा किया, कुछ भी नहीं हुआ। जो ओटे सो अर्जुन, कुछ भी नहीं हो रहा। परमात्मा हम सारे संसार की आत्माओं का पिता है, तो हम सारे संसार की आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। क्या वो परमात्मा को मानते हैं? कितना सहज है। सारा विश्व एक परिवार बन जाए, कोई काम कर रहा है
परिवार की फीलिंग सारे विश्व को एकता के सूत्र में बांध देगी। पाप कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, एकदम व्यवहार, दृष्टि, वृत्ति, बोल सब चेंज। परमात्मा का मानेगा तो तब जो भी दिखाई दे वो मेरा भाई। सर्वव्यापी कहते हैं, ये स्मृति रखना अर्थात परमात्मा हमारा पिता है। परमात्मा का कहना कहाँ मानते हैं? सबके सब नास्तिक हैं, और वो अपने परमात्मा हमारी माता है। रोज आना, बच्चा कितना भी नालायक हो, बच्चा बाबा की एक भी बात ना मानता हो, परंतु मां के रूप में ये भूल करके कि ये बाप का कहना नहीं मानता, फिर भी रोजाना मां की तरह कहते, बच्चे बाप को याद करो। जैसे मां कहती है, पापा को नमस्ते करके जाना, पापा के पांव छू के जाना, पापा को गुड मॉर्निंग करो, गुरु को परमात्मा से भी ऊपर मान दिया, पापा को गुड मॉर्निंग करना चाहिए, अंकल को गुड मॉर्निंग करना। कौन सिखाता है? मां बार बार सिखाती। कहते भी हैं, आत्मा भी तो मां के रूप में रोज आना, ये बात भूल करके ये बच्चे ढीठ हैं, ये बच्चे नहीं मानते हैं, ये बच्चे नहीं सुनते हैं, ये बच्चे नहीं सुधरते हैं, उसके बावजूद लगातार बाबा मां के रूप में रोजाना बिना छुट्टी कहते रहते। क्योंकि ये मां ही कर सकती है। तो परमात्मा हमारा पिता है, अपने सारे गुण हमें देता है, परमात्मा हमारी माता है। रोजाना बहुत प्यार के साथ हम सबको पालना देती है। परमात्मा हमारा बंधु है, परमात्मा हमारा सखा है। वो रोजाना हमें ज्ञान से सजाता भी है, साथी बन के हर समय मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। कोई भी बात आपके मन में है, आप अपने साथी से करें। दुनिया वाले जितने भी साथी हैं वो सब धोखा देने वाले हैं। उस समय वो बड़े प्यार से बात को सुन लेंगे और बाद में आपकी उन कमियों और उन कमजोरियों का ब्लैकमेल करेंगे, बाद में आपको चिढ़ाने के निमित्त भी बनेंगे, आपको गिराने के निमित्त भी बनेंगे। उस समय तो आपकी बातें बड़े मजे से सुनेंगे, जब आपकी गलतियां, आपकी कमियां आपने प्यार में आकर उनको बता दी, और उसके बाद वो उसका नजायज फायदा भी उठाएंगे। परंतु ये दोस्त ऐसा है, आपकी सारी गलतियों को जानने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद कभी आपको चिढ़ाने वाला नहीं, बल्कि हर प्रकार से आपको उन्नति के रास्ते पर बढ़ाने वाला है। और आगे चलो, और आगे चलो, ऐसा करो, ऐसे करो, तो तुम और श्रेष्ठ बन जाएंगे। सखा के रूप में, मित्र के रूप में, भाई के रूप में आप जो भी संबंध देखते हो, आपको उस संबंध में बहन के रूप में आप जो भी बात चाहें बाबा से कर सकते हैं। जैसे जैसे
ये जीवन का हिस्सा बनते जाएंगे, आपका जीवन ऑटोमेटिक श्रेष्ठ बनता जाएगा। आपकी हर रिश्ते से क्या करना चाहिए वो मार्गदर्शन देंगे। बाबा कहते निभाना तुम्हें का मतलब ये है कि मैं बाप आपका हूं, आप मेरे बच्चे हो, आपने मेरा कहना मानना है। मैं आपकी माँ हूं, आप मेरे बच्चे हो, आपने मेरा कहना मानना है। मुझसे उम्मीद नहीं करना कि मैं आपका कहना मानू। क्यों? क्योंकि आपको सुधरना है। मैं आपका दोस्त हूं, आप जो भी मुझसे पूछेंगे मैं आपको सही मार्गदर्शन करूंगा, कहना आपको मानना है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम्हें मेरी सी मत पर चलना है, मेरी मत पर चलने से ही तुम्हारा कल्याण होना है। ठीक है, चाहे मुझे आप अपना नौकर बना लो, मैं आपका नौकर बनने को भी तैयार हूं। परंतु याद रखो, नौकर के रूप में भी आपको जो जो मार्गदर्शन करूं, जो आपको रास्ता दिखाऊं, आपने चलना मेरी मत पर है। मुझसे ये उम्मीद नहीं करना कि पानी का गिलास मैं पिलाऊंगा आपको, या आप मुझे कोई ऑर्डर करेंगे मैं कहो मेरे आका, ओ मेरे आका की तरह मैं आपके सारे कहने मानने, एक भी कहना नहीं मानूंगा मैं आपको। हुक्म मेरे आका मैं कहूंगा, परंतु जो आपकी समस्या है उसके लिए जो रास्ता मैं दिखाऊं, उस रास्ते पर चलना आपको है, सुधरना आपको है, बनना आपको है, निभाना आपने है, मेरा कहना आपने मानना। जो भी संबंध, आप चाहे मुझे साजन बना लो, चाहे मुझे अपनी सजनी बना लो, चाहे मुझे अपना बेटा बना लो, मुझे अपना बेटा बना लो, अपना सब कुछ मुझे दे दो, अपनी बुराइयां भी मुझे दे दो, अपने अवगुण भी मुझे दे दो, आप अपने गुण भी मुझे दे दो, मैं सब आपके ले लूंगा। परंतु उनको वापस आपने नहीं लेना है, चाहे गुरु के रूप में दे दो, चाहे बाप के रूप में दे दो, चाहे माँ के रूप में दे दो, चाहे भाई के रूप में दे दो, किसी भी रूप में दे दो, मैं आपके सारे बोझ उठाने को तैयार हूं। परंतु बोझ उठाने का मतलब ये नहीं कि अब तुमने कुछ नहीं करना, मैं ही तुम्हारे सारे काम करूंगा। करना तुमने ही है, परंतु आप बाबा की श्रीमत पर चलकर इस लायक बन गए हो कि आप हर आने वाली समस्या का समाधान सहज कर सकते, इजीली कर सकते। तो अब हर एक आत्मा को बहुत सहज स्वाभाविक रूप से सोचने वाली बात है, सबकी आंखें निश्चिंत होकर के एकदम बाबा की श्री मत पर चलना सीखे। चाहे आप, ये तो पारिवारिक संबंध है, इसके बाद संसारिक संबंध भी आप रखना चाहो, डॉक्टर चाहिए तो मेरे से अच्छा डॉक्टर दुनिया में कोई नहीं हो सकता, सर्जन चाहिए तो मेरे से अच्छा सर्जन कोई नहीं हो सकता, गाइड चाहिए तो मेरे से अच्छा मार्गदर्शन करने वाला संसार में कोई नहीं हो सकता। साईं बाबा ने देखा कि ये एक उंगली को भी नहीं देखे, आंख को भी नहीं देखे, कोई भी संबंध, सबका मालिक, उस संबंध में मेरी श्रीमत, मेरी डायरेक्शंस हैं, उसे ही बिठा दिया हमारा मालिक।
उन श्रीमत को, उन डायरेक्शंस को आप अपने जीवन में लाए। जैसा समझती बताया हमने उसे ही भगवान। तो सर्व संबंध निभाने के लिए जो भी संबंध आप बनाएं, परंतु ये हमें याद रखना है हमने ही उस संबंध की कंडीशन अनुसार अपना सब कुछ बुद्धि से एकदम समर्पण कर देना है। अब आप जो चाहे जो कहेंगे वही करेंगे। जो बनाया शिवलिंग, क्योंकि सबसे पहले परमात्मा की पूजा करने के लिए शांति, और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो या अभी कोई स्पष्ट ना हुई हो बात तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ऐसे ही इसी वीडियो के साथ आपके पास 2000 से अधिक छोटे छोटे वीडियोस जो आप सभी भाई बहनों के द्वारा समय प्रति समय जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी के वीडियोस 7 प्लेलिस्ट में आपके पास भेजे जा रहे हैं। आप क्लिक करके उसे खोलेंगे और उसमें सभी वीडियोस के नाम पढ़ते हुए आप एक एक वीडियो जो भी आपको अच्छा लगे, जो आप जानते हो देखा हुआ है उसको तो ठीक है, और जो नहीं देखा हुआ है उसमें से सोचकर निर्णय करके आप जो भी वीडियो देखना चाहें उस वीडियो को सुन सकते हैं। अच्छा लगे तो अपने मित्र संबंधी फ्रेंड्स आदि सब को भेज सकते हैं।